में दे देना, उदित राज जी की एक चिट्ठी लिखवाना उसके ऊपर, बाकी मैं बैठा हूँ करने के लिए। आपका जो रह गया तालाब, यार पहले रुको ना, एक एक करके करने दो ना काम को, तुम्हारे तो काम कर रहे हैं। रुको, इनका ये जो है तालाब कितना, तालाब कितने बाय कितने का है? आप एक काम करो, आप एक काम करो, तालाब की फाइल मुझे भिजवाओ, आपने जाके बता देना है गोयल साहब तालाब की फाइल मांग रहे हैं, उस पर क्या कार्रवाई हुई है, उसका उसकी तो फाइल चली हुई है ना, शिफ्ट करने की जी, शिफ्ट करने की। चलो ताली बजाओ, बजाओ तालियां इनको। हाँ, और किसी को कुछ कहना है? रेडियो से रिलेटेड है, हाँ बोलो। प्लान्स बने 2014 इस केजरीवाल को भगाने के लिए जिन्होंने संकल्प लिया है, ऐसे हमारे दिल्ली और देश के नेता, भारत सरकार के अंदर केंद्रीय मंत्री विजय गोयल जी, हमारे क्षेत्र से सांसद उदित राज जी, हमारे जिले के जिला अध्यक्ष नीलदमन खत्री जी, हमारे यहाँ के निगम पार्षद अंजू जी, भाई ब्रह्म प्रकाश जी, आनंद जी, पूर्व विधायक वेद प्रकाश जी, 12,000 से 18,000 हो गए। कितने इमामों की बढ़ गई? 3,000। वक्फ बोर्ड जो होता है उसमें 200 इमाम होते हैं, तो इमाम जो होते हैं उनकी तनख्वाह उसने 12,000 से 18,000 कर दी। किनकी कर दी? 3,000 इमामों की, जबकि वक्फ बोर्ड में सिर्फ 200 इमाम होते हैं। कि भाई जो भी मस्जिद कहीं भी सड़क पे डाले बैठा है वो आ जाओ और हमसे ज्यादा तनख्वाह ले जाओ। और इमामों को क्या कहा? भाई ये तेरी तनख्वाह बढ़ाई और अब तू झाड़ू के ऊपर बटन दबवा देना जी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इसकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, कोई भी देख लो। कौन बैठा है उस मीटिंग में? अरविंद केजरीवाल, इमरान हुसैन और अमानतुल्ला, क्या नाम है, अमानतुल्ला खां, बात मत करो भाई, अमानतुल्ला खां, ये लोग हैं। तो आप इसका अंदाजा लगा लीजिए कि मेरे को किसी ने, मुस्लिम था मुमताज अली भाई, उसने कहा गोयल साहब हमारे यहाँ हज की सब्सिडी पे जाना हराम है। इसलिए आपने देखा होगा हज की सब्सिडी जब बंद हुई एक भी मुस्लिम जो है खड़ा होकर निकल के नहीं आया कि हमारी बंद क्यों कर दी, क्योंकि वो हराम था जाके। इसी तरीके से बैंकों में सूद खाना हराम है और इसी तरीके से इमाम की तनख्वाह भी हराम है। वो कहता है इमाम तो अपनी नमाज खुद भी तो पढ़ेगा, जो नमाज वो खुद के लिए पढ़ेगा वो दूसरों के लिए भी पढ़ेगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई उसको तनख्वाह दी जाएगी। और फिर भी सिर्फ कहता है हमको मुस्लिम के वोट मिल जाए, बाकी के वोट नहीं मिले तो कुछ नहीं। अब गाँव रास्ता ये है कि फिर रास्ते को चौड़ा करना है। एक मिनट भाई, यार एक बात मुझे समझ नहीं आ रही, एक आदमी आपका खड़ा है वो बात कर रहा है, मैं कहीं जा नहीं रहा, पहले जवाब देने दो ना, नहीं तो 2 घंटे मीटिंग नहीं चलती है, पॉलिटिकल मीटिंग नहीं है ये। ये जो कह रहे हैं फिर निरोस्ते रास्ता करना है और कंजेस्टेड है, उसके बारे में अपने क्या कहने? सर इनको रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, आप वीसी साहब को फॉरवर्ड कर दीजिए रिप्रेजेंटेशन को, उसके बाद आप इनकी बात को जेन्युइन समझते हैं, इनका रास्ता नहीं है या कोई और रास्ता है इनके पास? भीड़ है, कितना भीड़ है और कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए? 12 मीटर होना चाहिए, 12 मीटर होना चाहिए। तो इन्होंने अभी रिप्रेजेंटेशन दिया है क्या? मीटिंग नहीं यार, हम जो साफ जो पूछते हैं वो बताया करो। आपने रिप्रेजेंटेशन दिया है? नहीं दिया। सरकार बिना कागज के नहीं चलती, एक बात ध्यान रखना, अगर कोई भी चीज कोई भी बोल जाए उसका कोई वैल्यू नहीं होती, सरकार नहीं करती। अब ये रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे, मैं उसके ऊपर अपनी चिट्ठी लिखाऊंगा और डीडीए वाइस चेयरमैन के साथ आपकी मीटिंग। बोल साहब क्या जरूरत पड़ी ढोल बजाने की, यहाँ तक आने की क्या है? केजरीवाल सरकार दिल्ली के अंदर जिस तरीके से भ्रष्टाचार कर रही है, जनता को गुमराह कर रही है, झूठ बोल रही है, तो उसकी पोल खोलनी जरूरत थी, इसलिए पूरी दिल्ली के अंदर जगह जगह पर ढोल बज रहा है। आप देख रहे हैं कि गांव, सारे गांव के लोग उनके खिलाफ हैं। किसान को किसान का दर्जा दिया नहीं, सेक्शन 81 और 33 का कुछ किया नहीं, गांव में चोरियां हो रही हैं कुछ रोका नहीं, गांव के लोगों की जो भूमि अधिग्रहण की थी उसके बदले में जो जमीन देनी थी वो दी नहीं, गांवों के अंदर नाली सड़क खड़ंजा सीवर बिजली पानी की सब समस्याएं हैं। केजरीवाल सरकार सो रही है। ऐसी केजरीवाल सरकार को बेनकाब करना बहुत जरूरी है, इसलिए ये ढोल बजाया जा रहा है जी। और आप देख रहे हैं आज हजारों की संख्या में जो यहाँ किसान इकट्ठे हुए हैं, इन्होंने कहा है कि हम केजरीवाल के घर को जाकर घेरेंगे, ये हमने तय किया है, हम तारीख ऐलान करेंगे। ऊपर आ जाओ भैया, ऊपर आ जाओ, जगह दो ना, वो आएंगे भैया, वो थोड़ा क्या हो गया?
जाओ यहाँ। आप बात कौन रखेगा भाई बताओ, कौन रखेगा? बोलो ना, परेशानी कौन बताएगा? तो गोयल जी, हमारा फिरनी रोड का रास्ता है, इन्होंने चारों तरफ से सारी जमीन एक्वायर कर ली है, बिल्कुल कंजेस्टेड रास्ता है, इसको चौड़ा करने का वो है। और इसमें ये जो विलेजर आबादी के साथ में जो ये फैसिलिटी इन्होंने डीडीए ने छोड़ी हुई है, वो भी विलेजर फैसिलिटी है। अगर कल समय हो तो कल आ जाना, कल नहीं समय हो तो परसों सवेरे आ जाना। जाके आए हुए क्या यहाँ किया गया पोल खोलने का? और हमारे जिला अध्यक्ष तो रात दिन मैं तो इनसे पूछता रहता हूँ कि कब सोते होते, कब है भाई? भाई जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें। हरे पतंगी, हरे पतंगी। किसानों के आंदोलन में जो भी कोर्ट से चल रहा है, गोयल साहब आपके साथ हैं। आपको वकील की जरूरत हो, दलील की जरूरत हो, सब गोयल साहब आपके साथ हैं। तुम गोयल साहब को हाथों में उठा के रखो, फिर देखो गोयल आपके लिए कितना लड़ने के लिए तैयार है। एक सूचना है, 17 फरवरी को साहिब सिंह वर्मा जी की समाधि पर 11 बजे किसान महाकुंभ है। 17 फरवरी को उसकी तैयारी दे देना। उदित राज जी की एक चिट्ठी लिखवाना उसके ऊपर, बाकी मैं बैठा हूँ करने के लिए। आपका रह गया तालाब यार, पहले रुको ना, एक एक करके करने दो ना काम को, तुम्हारे तो काम कर रहे हैं। रुको, इनका ये जो है तालाब, कितना तालाब, कितने बाय कितने का है? आप एक काम करो, तालाब की फाइल मुझे भिजवाओ, आपने जाके बता देना है गोयल साहब तालाब की फाइल मांग रहे हैं, उस पर क्या कार्रवाई हुई है। उसका उसकी तो फाइल चली हुई है ना, शिफ्ट करने की जी, शिफ्ट करने की। चलो ताली बजाओ, बजाओ तालियां इनको। हाँ, और किसी को कुछ कहना है? डीडीए से रिलेटेड है, प्लान्स बने 2014 और जो नहीं काम करा उसकी रिपोर्टर शिकायत भी करो। दोनों काम साथ साथ होने चाहिए, क्योंकि ये भी हमारे ही परिवारों के लोग लगे हुए हैं। गांव में नशा फैल गया है, सट्टा फैल गया है, जुआ फैल गया है, लॉटरी बंद कराई जुआ फैल गया है, ड्रग्स फैल गई है बहन जी, ड्रग्स फैल गई है। आप ये समझो बात को, इसमें लोग इसके में आ रहे हैं। और आप समझो दिल्ली की हालत ये हो गई है कि दिल्ली की आज का राज प्रदूषण ही प्रदूषण है। इतना प्रदूषण है कि दुनिया के सब देशों में दिल्ली नंबर एक पर है प्रदूषण को लेकर। जाके ये प्रदूषण किसके जाएगा जी? हमारे बच्चों के फेफड़ों के अंदर जाएगा। हमने तो झीली जैसे जिंदगी जी ली। जिम्मेदार कौन है? केजरीवाल सरकार है। कौन जिम्मेदार है? और ये सिर्फ केजरीवाल की नहीं, हमारी सरकार भी नहीं काम करे तो हमारे को भी बोलो। हमारे अगर ये जो एमएलए बैठे हैं, कॉर्पोरेटर बैठे हैं, एमपी बैठे हैं, नहीं काम करें, जो काम नहीं करे उसके कपड़े फाड़ो। आप ये समझ लो मेरी बात को जाके। क्यों? क्योंकि ये पब्लिक का हक है। सिक्योरिटी खड़ी होगी, फिर केजरीवाल आएगा, फिर वो मिर्ची दिखाएगा, बस इतने देर में पकड़ा जाएगा और ये हो जाएगा कि मिर्ची स्कैंडल हो गया। जाके देखा, अखबार में पढ़ा था आपने, मतलब डली भी नहीं और बदनाम भी हो गया और वो सुर्खियां पूरी ले गया जाके। तो मैं आपको जो है ये आज बताने के लिए आया हूं कि भाई तुमको दिल्ली अपनी बचानी है तो बचा लो, और नहीं बचानी तो विजय गोयल का नहीं जाओगा कुछ भी, कि भाई समझो कि मेरा अकेले का जाएगा जी। मेरे को तो लड़ने का शौक है। जिस लॉटरी के कारण लाखों लोग बर्बाद हो रहे थे, मकान बेच रहे थे, आभूषण बेच रहे थे, हर घर में लॉटरी खेली जा रही थी, उस लॉटरी के खिलाफ 10 साल आंदोलन चलाया और दिल्ली से लॉटरी बंद करके दिखा दी, ये समझ लो बात। और वो मुझे अभी किसी ने कहा किसानों का दर्जा नहीं मिला है ना, किसानों को किसानों का दर्जा नहीं मिला। सेक्शन 81 और 33 दुखी कर रहे हैं, और ग्लाल डोरा को जो है वो बढ़ाया नहीं है, और क्या समस्या है? और आपने देखा होगा जैसे ही मैंने गांवों की तरफ रुख किया, गोपाल राय ने घोषणा करी कि भाई गोयल गांव में जा रहा है, केजरीवाल साहब इसकी घोषणा कर दे। ऐसे मास्टरों का हुआ था, ये जो जितने स्कूल थे ना छोटे वाले, जो रिकॉग्नाइज स्कूल नहीं थे, छोटे छोटे हजारों स्कूल है, जैसे ही मैंने स्कूलों के प्रिंसिपल को बुला के मीटिंग की, अगले दिन उन्होंने कह दिया इनको तोड़ा नहीं जाएगा जी, क्योंकि सरकार ने स्कूल बनाए नहीं, इतने स्कूलों की जरूरत थी। तो मेरे पास ये इतने सारे थे ना भैया, ये नील दमन खत्री जी ने आपको बता दिया है सारी चीज, पर मैं आपको ये कह रहा हूं इसको लड़ने के लिए पहले तो इसकी सरकार हटानी जरूरी है, ये समझ लो। दिल्ली में बीजेपी की सरकार नहीं आती, क्यों? बीजेपी को जितनी मेहनत करनी है
उससे 10 गुनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। आपको जितना सहयोग देना है, डोकलाम जो जगह थी उसके अंदर देखा नहीं था, सेना खड़ी करती थी। मैं गया था मोदी जी के पास, मैंने कहा जी ये चाइना भी अगर आ गया तो, कहने लगा विजय बाबू जो आएगा तब आएगा, अभी तो हम खड़े हैं वहां पर, आप समझ रहे मेरी बात को। तो यही आदमी है, ये सर्जिकल स्ट्राइक उरी देखी क्या आपने, जिस जितने उरी देखी खड़े करो आप, ये क्या हो रहा है। नील दमनजीत को बातें मत करो भाई आपस में सेठ, बाद में करो अभी नहीं फैसला, ये जो 20,000 का फैसला है ये इनको उरी दिखाओ सबको। हाँ कर दूं, कौन सा हॉल है पास में, बतेरिया ताली बजा दो भाई तुमको सबको उरी जो है नील दमन खत्री जी मेरे नाम से आपको दिखाएंगे सबको जाके। मैं भी दिखा रहा हूँ ऐसे, मैं बता दू बात, पर मैं जरा उधर के लोगों को दिखा रहा हूँ जाके। ये उरी फिल्म जो है सर्जिकल स्ट्राइक की गजब है, इसको फिल्म का देख के जरूर आओगे, पता चलेगा जवानों ने कैसे अपनी जान नौछावर करके और किस तरीके से उरी का हमला किया। ये सारे दम जो है ये मोदी के हैं, दूसरे किसी के दम नहीं है। जाके कोई इकट्ठा होते रहो, महागठबंधन करो, महामिलावट करो, कुछ भी करो। चलो मैं एक बात आपसे पूछता हूँ, सब पार्टियों के लोग होते हैं यहाँ भी बैठे होंगे, मान लो ये हैं, इनको सर्वश्रेष्ठ सांसद का भी पुरस्कार मिला है, ऐसे श्री उदित राज जी जो हमारे यहाँ के सांसद हैं और दोबारा भी सांसद बनेंगे, ऐसा हमारा शुभकामनाएं बिल्कुल इनके साथ हैं। अंजू अमन जी को मैं दूर से भाषण करता हुआ सुन रहा था, बहुत अच्छा भाषण करती हैं, निगम पार्षद हैं हमारी। श्री ब्रह्म प्रकाश जी खड़े होते रहो भाई, श्री ब्रह्म प्रकाश जी अपने निगम पार्षद हैं, बहुत एक्टिव। श्री आनंद जी भी निगम पार्षद हैं, पहले जब ये मेरे साथ काम में लगे रहते थे तब पार्षद नहीं बने थे, अब ये पार्षद भी हो गए हैं। श्री जय भगवान मास्टर जी हमारे चेयरमैन भी रहे। उसके बाद मेरा बापू इमरजेंसी के अंदर जेल में था, चरती लाल जी गोयल विधानसभा का अध्यक्ष, वो 19 महीने में जेल में था, और बेटा भी जेल में था 6 महीने। बापू बेटा का वो अंबाला में बंद था, और जो ये अंबाला में बंद था और मैं इसमें तिहाड़ जेल में बंद था, दोनों वहां से लेटर लिखते थे। ये क्यों बता रहा हूँ, ये मत समझ लेना कि गोयल साहब आ रहे हैं और भाषण झाड़ के जा रहे हैं, हमने त्याग किया है, हम लड़ना जानते हैं और अभी भी लड़ना जानते हैं, हम किसी से भी भिड़ सके जाकर, ऐसा नहीं है। और हम बुरे को बुरा, गलत को गलत और सही को सही कहने का दम रखते हैं, ये समझिए बात को जी। जैसे मैंने अब ये वेद प्रकाश को खड़ा कर दिया कि भाई इतना लड़ने से काम नहीं चलेगा जी, 20,000 आदमी की रैली इसने उठी, हाथ खड़ा करके यूं कहे 20,000 आदमी, ताली बजा के इसका साहस बढ़ा दो। जैसे आप हमारा हार डाल के करते हो ना, इसने हार डाल के फिर देखो 39 भैंसे चोरी हो गई, होगी कि नहीं होगी, हो गई ना वैसे। अब ये पुलिस खड़ी है सुन रही है, SHO साहब सुन रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक कहा उदित राज जी ने, हमको सिर्फ पुलिस की बुराई नहीं करनी, हमें एक काम करना है, जो अच्छा काम करे उसके गले में हार भी डालो जी। आप गांव बताओ, कर्मचारी अधिकारी जो दिल्ली सरकार के हैं, सब मिल करके भ्रष्टाचार करके और वह सड़क टेढ़ी निकलवाना चाहते हैं, लेकिन हमारी भी जिद है कि इनके साथ न्याय दिला के हम रहेंगे। अंजू जी भी बहुत ज्यादा उसमें अपनी शिरकत करती रहती है, ये भी ज्यादा कदा लेकर के आती रहती है, लड़ती फिरती रहती है, कहीं ना कहीं हमारे परिवारों के हैं, कहीं ना कहीं ये समझेंगे तो अच्छी से अच्छी ड्यूटी देंगे जी, नहीं समझेंगे तो नहीं समझेंगे। ये तो समाज के अंदर जो है, हर आदमी की, समाज के अंदर हर आदमी की अपनी जिम्मेदारी है। मेरे को देखो, मेरे पिताजी चरतीलाल जी गोयल विधानसभा के अध्यक्ष थे, हमारा दादा सरपंच था, हमारे यहाँ हाथी घोड़े मकान सब कुछ रहे, हमारी हवेलियां रही, अभी दोनों हवेलियां जो है गांव के अंदर हम दान कर रहे हैं, एक तो कर दी, दूसरी और करनी है, इसलिए कि भाई जो गांव ने दिया वो गांव को करना है। मेरा गांव है सोनीपत के पास खरगोदा, और खरगोदा के पास जरोट, अगर आपने नाम सुन रखा हो तो जाके, तो मैं तो आप लोगों के बीच में से हूँ, और बीच में से हूं तो मैं लड़ने भिड़ने के लिए आया हूँ। उदित राज जी ने बिल्कुल सही कहा जी, ये ना मेरी लोकसभा, ना मैं यहां से लड़ूं और ना मैं यहां से लड़ सकता हूं, क्यों नहीं लड़ सकता बताओ, अच्छा कौन बताओगा, 80 सीट है मेरे को क्या लड़ना, इसलिए इस कॉन्स्टिट्यूंसी में आने में खतरा भी नहीं रहता। मैं किसी में चप्पल में जाऊं ना चांदनी चौक नई दिल्ली में, क्या सोचा गोयल साहब कहीं लड़ने तो नहीं आ गए जाके जी, पर इसमें कोई खतरा नहीं, कोई नहीं सोचता इस बात का कि अभी लड़ने आ गए या नहीं लड़ने आ गए, पर मैं आप लोगों से लड़ने के लिए आया हूँ। ये वेद प्रकाश बैठा अभी, ये देखो इसको हमने खड़ा हुई है भाई,
डीडीए ने इसका नाम एलआईजी करके लोगों को बेच दिया। तो ये डीडीए मतलब ये नहीं देखता कि ईडब्ल्यूएस की जो डेफिनेशन है और जो एलआईजी की डेफिनेशन है। अब बिक गया छोड़ो। हाँ अरे डीडीए कुछ नहीं करेगी, मैं बता रहा हूँ, मैं तो प्रैक्टिकल चलने वाला आदमी हूँ। अभी जो हाँ वो धरने जंतर मंतर करो, अरे यार करो ना, मैं कब मना कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ पहले ये दो काम करवा लें, साथ में आपके भी काम को देखेंगे। अच्छा सर तालियां बजा दो बहुत से, और पीछे लगे रहना जैसा उदित राज जी ने कहा है। ये नहीं होता एक बार चिट्ठी लिखी और चले गए। कई बार हम सोचते हैं हमने चिट्ठी लिखी, हमने फोन किया, काम हो गया होगा, इसलिए आदमी लौटा नहीं। आदमी लौटा इसलिए नहीं कि भाई ये अपना नेताओं का काम है इसको करवाना, ऐसा नहीं होता। नेताओं को भी आपकी सपोर्ट की जरूरत होती है। बोलिए भारत माता की। चलो मैं ये कह रहा हूँ कि उदित राज जी ने बेगमपुर में दो रोड जुड़वा दिए थे डीडीए से। डीडीए की समस्या बहुत है एरिया में, आप डीडीए के साथ मीटिंग फिक्स करके समस्या जो है वो डाल दे। आप पहले समस्याएं लिख के भेजो, सुन लो भैया, सुन लो भाई, ऐसा नहीं, समस्याएं लिखो और उसके साथ सपोर्टिव डॉक्यूमेंट लगाओ कि किस समस्या के लिए आपने कब लिखा था, तब होगा काम। खाली ऐसा नहीं हो प्लेन पर्चा पे नहीं होगा जाकर। अरे मेरी बात तो सुनो, जो डीडीए की समस्या हो कभी आपने उसके लिखा हो वो भी लगा देना, नहीं लिखा हो तो मत लगाना। हमने ये ढोल बजाना शुरू किया है, ये बना था आपने मालूम होगा ना, जब बना, जो कोई गलत बात बोलूं तो खड़े हो जाना उसके बीच में से। जो जब ये बना था तो इसने कहा था गाड़ी लूंगा या नहीं लूंगा, जोर से बोलो गाड़ी नहीं लूंगा, लाल बत्ती बंगला सिक्योरिटी सारी चीजें आ गई भाई, बात तो बाद में करो भाई सब, और सारी चीजें ले ली, सारी चीजें धड़ाधड़ ले ली। उसके बाद बच्चों की कसम खाई, कौन बताएगा क्या खाई थी कसम, नीचे से बताओ कोई। तालियां बजाओ जोर से, कितना है, क्या नाम है भैया? सुमित गुप्ता। ऐसे लोग चाहिए हमको जो बड़े। हाँ था, बच्चों की कसम खाता हूँ, कितने बच्चे हैं उसके, तो बच्चों की कसम खाता हूँ। हमारे यहाँ भगवान की कसम भी यूं ही खा लेते हैं लोग जाके, माँ बाप की कसम भी यूं ही खा लेते हैं, बच्चों की कसम कोई नहीं यूं खाता, एक बात ध्यान कर लेना जाके। बच्चों की कसम खाता हूँ मैं, कांग्रेस का ना समर्थन लूंगा ना दूंगा, समर्थन ले लिया और कहा था 756 की रिपोर्ट शीला दीक्षित के खिलाफ बना के एफआईआर कराई थी, कहा था शीला दीक्षित को जेल भेजूंगा। अभी एलजी के यहाँ वो हुआ था गणतंत्र दिवस का फंक्शन, मैं भी वहीं पर था, जैसे शीला आई उसके पीछे पीछे डोलने लग गया जी हैं शीला, और फिर हाथ पकड़ के फोटो भी खिंचवाई ताकि पता लग जाए। एक बात तो समझो, हमारा जो हम जो है हमारी ताकत क्या है, हमारी ताकत आप है। जब मैं प्रदर्शन करने जाता हूँ तो मैं सचो कहता हूँ हट भाई मेरे को आगे जाने दे, वो देखता है गोयल साहब के पास 50 लोग पीछे खड़े हैं, कह रहे नहीं गोयल साहब कानून नहीं है आप जा नहीं सकते आगे जाके। और जब मैं दूसरी बार जाता हूँ पूछ कहता हूँ हट भाई, ऐसा तो देखता है पीछे 10,000 आदमी खड़ा है, कहने लगा जाओ ना गोयल साहब कहाँ रोक रहा हूँ मैं जाके। आप समझते हैं ये ताकत जनता की है, अगर जनता के अंदर ताकत है तो सब हिलते हैं। मोदी जी का भाषण सुना था टीवी में, किस किस ने सुना था हाथ खड़े करो, काफी लोगों ने सुना था वो भाषण, सुनना आजकल तो इंटरनेट पर सोशल मीडिया पर इस पर सारे के ऊपर आता है, उस पर भाषण सुनना आप जाके। ये मोदी जो है ना ये देश का सौभाग्य है, चाहे कोई कुछ भी कहे ये विजय गोयल का मानना है जाके। विजय गोयल तो भाई मंत्री तब भी था जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तो भी प्रधानमंत्री कार्यालय में मंत्री था मैं, आप ये समझो जी। ये मोदी 24/7 काम करता है 24 घंटे, और ये मोदी हमारे लिए काम नहीं करता, हमारे बच्चों के लिए काम कर रहा है जाके, और ये कड़े फैसले करता है जाके। जीएसटी वाला कड़ा फैसला था, नोटबंदी का कड़ा फैसला था, सारे लोग लाइनों में खड़े हुए पर फिर भी किसी ने भी विरोध नहीं किया, हाय हाय नहीं कि कांग्रेसी बहुत जाते थे उंगली लगाते थे कि भाई कर दे हाय हाय, कितना तंग हो रहा है तू, दो दिन से तेरे नोट नहीं बदले जा रहे, लोग कहते नहीं कोई नहीं हमें पूरा विश्वास है ये काम ठीक करेगा। तो ऐसा जो नरेंद्र मोदी है इसको छोड़ना नहीं, मैं बताता हूँ आपको, देश में दूर दूर तक दूसरा आदमी दिखाई नहीं दे रहा है इस समय। जब कोई नए बच्चे तैयार हो जाएंगे ना तब फैसला कर लेना, आज कोई ऐसा तैयार नहीं है जो दुनिया को दबा के रख सके।